हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन इनटू अनदर वन वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम टाइनी 11 के बारे में बात करेंगे। अल्सो हम इसे अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल भी करने वाले हैं। बट उससे पहले जान लेते हैं टाइनी 11 क्या है। टाइनी 11 विंडोज 11 का एक लेटेस्ट वर्जन है। उसे हम लो एंड पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक आपके पास मिनिमम ऑफ 2 GB रैम है, 8 GB इंटरनल स्टोरेज है और आपके पास किसी भी तरह का ग्राफिक कार्ड नहीं है, आपका जो मदरबोर्ड है उसमें TPM सिक्योर बूट नहीं है, तो भी आप इस टाइनी 11 को एज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। जो विंडोज 11 में आपको जिस तरीके से अपडेट दिया है एज इट इज आपको टाइनी 11 में मिल जाता है, बट इसमें थोड़ा कस्टमाइज किया है आपको लो एंड पीसी में यूज करने के लिए। सो चलिए विंडोज 11 का वर्जन टाइनी 11 को हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। तो मैं इसमें वर्चुअल मशीन का यूज करने वाला हूँ और आपको वर्चुअल मशीन क्या है इसके बारे में जानना है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियोस डाल दिए हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं और वर्चुअल मशीन को कैसे इंस्टॉल करना है वो भी आपको वहाँ पे मालूम हो जाएगा। सो विदाउट फर्दर डू लेट जंप इनटू द वीडियो। गाइज जो टाइनी 11 की ISO इमेज है आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी archive.org। इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे ISO इमेज पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये जो फाइल है ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। सो मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड किया है, बस मुझे यहाँ पे मेरी मशीन पे इसे इंस्टॉल करना है और यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन का यूज़ करने वाला हूँ। और जो वर्चुअल मशीन का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपर वी मैनेजर में इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो वर्चुअल मशीन को ओपन करने के बाद आपको क्विक क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाता है, बट यहाँ पे हम लोकल इंस्टॉलेशन सोर्स पे क्लिक करेंगे। देन जो मैंने ISO इमेज आपको बताई है किस तरीके से डाउनलोड करनी है तो उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइनी 11 B1 वर्जन है मेरे पास, तो इसे सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करूँगा। देन जैसे ही यहाँ पे टाइनी 11 यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है तो आपको क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो आपकी वर्चुअल मशीन है यहाँ पे वर्चुअल क्रिएट हो जाएगी। बस आपको यहाँ पे एडिट सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका हार्डवेयर, फर्मवेयर, सिक्योरिटी एंड मेमोरी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 GB दिए हैं। यहाँ पे मैं 2 GB की साइज भी कर देता हूँ। तो जो प्रोसेसर है वो 6 Core का है एंड यहाँ पे मैं ओके पे प्रेस कर देता हूँ। देन फाइनली मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा इस तरीके से आपको एक न्यू टैब मिल जाएगा जिसमें आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। देन स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद किसी भी कीज़ को आपको यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे कि मैंने एंटर की को यहाँ पे प्रेस कर दिया है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से विंडोज सेटअप का आपको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो सेटिंग दी है उसे डिफ़ॉल्ट रहने देना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे एक्सेप्ट करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका जो स्पेस है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, बट यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन पे इसे क्रिएट कर रहा हूँ तो इस वजह से अनलोकेटेड स्पेस यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आपकी सी ड्राइव शो हो जाएगी, उस पर आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं न्यू पे प्रेस करूंगा और अप्लाई पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको कुछ वार्निंग मैसेज मिल जाएगा, उसे आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं। जैसे मैंने ओके पे प्रेस किया जस्ट मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है जिसमें आपका जो टाइनी 11 है वो इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका लो एंड PC है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय लग सकता है, बट मेरे पास हाई कॉन्फ़िगरेशन है तो मुझे भी यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। तो जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। सो इंस्टॉलेशन स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद बेसिक जो सेटिंग्स है आपको यहाँ पे कंप्लीट करना ज़रूरी है। लाइक यहाँ पे आपको कंट्री को सिलेक्ट करना है। सो कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपका जो कीबोर्ड लेआउट है जो उसका इनपुट मेथड है उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इंग्लिश इंडिया कर देता हूँ, देन एस पे क्लिक कर देता हूँ। सेकेंड आपको कीबोर्ड का लेआउट यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। जो विंडोज 11 का जो इंस्टॉलेशन स्टेप है एज इट इज़ है यहाँ पे, तो आपको उसी तरीके से प्रोसेस करनी है।
तो आपने मेरा विंडोज़ इंस्टॉलेशन के ऊपर वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा। सो यहाँ पे आपको डिवाइस नेम देना है, लाइक मैं यस टेक कर देता हूँ, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जो पासवर्ड है आप यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हैं, सो मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। पासवर्ड सेट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके एक्सेप्ट पे आपको क्लिक करना है। सो दोस्तों यहाँ पे आपकी पूरी स्टेप कंप्लीट हो जाती है और आपका जो विंडोज़ टाइनी है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा, बस आपको यहाँ पे वेट करना है। सो फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद जो आपने पासवर्ड यहाँ पे सेट किया है आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका जो टाइनी विंडोज़ 11 है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, सेम विंडोज़ 11 की तरह है बट ये लो एंड पीसी पे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे। सो यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद जो उसकी परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सभी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं बट जो सीपीयू है उसका हीटिंग प्रोसेस आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। बट ये लो एंड पीसीपी है, जब आप विंडोज 11 को यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं जो आपका सीपीयू है उसकी हीट प्रोसेस वहाँ पे बढ़ जाती है। बस इस वीडियो में आपको टाइनी 11 क्या है और इसे कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में आपको बताना था। सो गाइज आई होप यू नो अबाउट विंडोज टाइनी 11 एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी कंसर्न प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड गाइज प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।